नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल लकड़ी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टील के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए लॉन्ग वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड। कह रहा है उस वर्टिकल मेंबर का नाम बताइए जिस पे है एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करे। अगर हम बात करेंगे एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स की, वर्टिकल मेरा मेंबर है, इसकी एक्सिस पे क्या लगेगा? एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये कौन सा मेंबर है? ये हमारा है कॉलम, ठीक है। ट्रस की बात करेंगे, ट्रस हमारा भी क्या है, एक प्रकार का हमारा कंप्रेशन मेंबर है, लेकिन ये इंक्लाइन मेंबर है, ठीक है। टाई भी मेरा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये टेंशन मेंबर है टाई। तो यहाँ पे पूछा वर्टिकल मेंबर, तो वर्टिकल मेंबर मेरा कॉलम रहता है जिसके एक्सिस पे क्या लगते हैं, कंप्रेसिव लोड लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट टेंशन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ए कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज। कॉलम स्प्लाइस जो है, ठीक है, यूज किया जाता है क्या इंक्रीज करने के लिए? तो बात करेंगे यहाँ पे कॉलम स्प्लाइस की, तो कॉलम स्प्लाइस प्रकार क्या है, ये प्रकार हमारा क्या है, ये बॉन्डिंग का काम करता है। जैसे ये मेरी कॉलम हो गई जिसकी लेंथ हमारी कम है, ठीक है, एक अपर कॉलम हो गया। इस कॉलम को क्या करना है, इसकी लेंथ अगर बढ़ानी होगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लाइस कर देंगे, स्प्लाइस कर देंगे, ठीक है, स्प्लाइस कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉलम की लेंथ इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी भी मेंबर की आपको लंबाई को बढ़ानी होगी तो उस कंडीशन में हम स्प्लाइस का यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे यहाँ पे सिलेंडर रेशियो बताना है, यहाँ पे कॉलम इज लेस देन 80। अगर आपका सिलेंडर रेशियो जो 80 से कम है तो किस प्रकार के कॉलम होगा, ठीक। अगर हमारा तन्यता अनुपात सिलेंडर रेशियो 80 से कम है तो बात करेंगे कौन सा कॉलम है, मीडियम कॉलम है, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉलम बोल सकते हैं इसी को, ठीक। लॉन्ग कॉलम कब होगा, जब इसका सिलेंडर रेशियो 120 से क्या हो, ज़्यादा हो। और जब हमारा यहाँ पे शॉर्ट कॉलम कब होगा, जब तन्यता अनुपात इससे कम हो, ठीक है, 30 से कम होगा, ठीक, तो इसे हम कहेंगे शॉर्ट कॉलम। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या, ये स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टिव टू कंप्रेसिव फोर्स इन डायरेक्शन पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड। फिर यहाँ पे बात कर रहा है उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है जिसपे हमारा कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कंप्रेसिव फोर्स की, तो कंप्रेसिव फोर्स देखेंगे यहाँ पे कॉलम पे भी एक्ट करता है, पोस्ट का भी, एक्सटेंशन, हमारे तीनों जो है किसके एग्जांपल हैं, ये हमारे कंप्रेसिव मेंबर के एग्जांपल जिस पे कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि शेप ऑफ द सेफ फैक्टर कितना होगा रेक्टेंगल सेक्शन के लिए। अगर हम बात करेंगे सेफ फैक्टर की, वो भी रेक्टेंगल सेक्शन के लिए, तो हमारा सेफ फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, वो हमारा दो चीज़ का रेशियो होता है, किसका, इसका जेडपी डिवाइडेड बाय जेडी, यानी प्लास्टिक सेक्शन मॉडल डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडल, उसके रेशियो को हम क्या करते हैं, सेफ फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे पूछा है सेफ फैक्टर रेक्टेंगल के लिए कितना होता है, 1.5 होता है। अगर हम बात करेंगे आई सेक्शन के लिए, किसके आई के लिए, तो आई के लिए याद रखेंगे 1.14, ठीक है। टी की बात करेंगे, टी के लिए कितना होता है, 1.5 से लेके 1.9, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सर्कुलर के लिए, तो सर्कुलर के लिए याद रखेंगे 1.67। ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल के लिए याद रखेंगे 2.3, ठीक है। अगर हम डायमंड की बात करें, डायमंड के लिए 2। ये सारा डाटा आप याद रखेंगे, ये सेफ फैक्टर होता है एक मेंबर का। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, एंड करेक्ट मैक्सिमम शियर कैपेसिटी या फिर प्रिज्मेटिक बीम अंडर प्लास्टिक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक बीम है मेरा, ठीक है, तो अब पूछा है यहाँ पे कितना हमें शियर कैपेसिटी देखने को मिलेगा, तो कितना देखने को मिलेगा, तो फिर याद रखेंगे 0.55, ठीक है, 0.55 AFY हमें क्या देखने को मिलेगा, प्लास्टिक बीम के लिए, ठीक, शियर कैपेसिटी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, इन डिजाइन ऑफ स्टील गर्डर विथ ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द बल्किंग, ठीक, सॉरी, बकलिंग रेजिस्टेंस। बकलिंग रेजिस्टेंस को पूछ रहा है, वेब में जो बकलिंग अब देखने को मिलता है, यानी मेरा क्या हो गया, अगर बात करेंगे गर्डर की या आई सेक्शन की, तो आई सेक्शन में यहाँ पे वेब में क्या होता है, वेब में यहाँ क्या होता है, बकल करता है,
ठीक है, इसी बकल करता है यहाँ पे, पूछ रहा है ठीक है इसको रजिस्ट्रेंस करना है तो क्या कर देंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे प्लेट। इस प्लेट का क्या नाम है, इस प्लेट का नाम है स्टिफनर। क्या नाम है, स्टिफनर नाम है, कौन सा स्टिफनर, वेव स्टिफनर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। वेव स्टिफनर प्रोवाइड कर देंगे तो आपको जो बकलिंग है ठीक है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम स्पेसिंग पूछ रहा है वर्टिकल स्टिफनर के लिए कितना होता है। बात करेंगे यहाँ पे क्या मैक्सिमम स्पेसिंग जो होता है हमारा स्टिफनर की बात करेंगे तो स्टिफनर क्या होता है ध्यान देंगे, जब डी बाई टी डब्ल्यू का रेशियो जो है 85 से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम स्पेसिंग बताइए ठीक है, वर्टिकल स्टिफनर के लिए कितना होता है। तो मैक्सिमम एक मिनिमम होता है, मिनिमम कितना होता है, मिनिमम होता है मेरा कितना 0.33 डी, कितना होता है 0 पॉइंट, मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम होता है मेरा कितना 0.33 डी। अगर बात करेंगे मैक्सिमम की तो मैक्सिमम मेरा कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा 1.5 डी, 1.5 डी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट आंसर, याद रखेंगे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे वेव किपलिंग इन बीम जनरली अकर एट द, ठीक अगर हम बात करेंगे किपलिंग की, हमारा जो किपलिंग होता है वो क्या होता है, जब एरिया फ्रेंज अगर बात करेंगे ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मान लीजिए कोई हम टी सेक्शन लिए ठीक, टी सेक्शन लिए यहाँ पे तो क्या होगा, मेरा यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, कम लगेगा। जैसे स्ट्रेस इजकल टू क्या होता है, स्ट्रेस इजकल टू होता है क्या, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक। अगर जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे स्ट्रेस हो जाएगा मेरा क्या, कम। तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है स्ट्रेस का वैल्यू कम हो जाएगा। बस बात करेंगे वेव की तो वेव में क्या, एरिया कम स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा ज़्यादा, तो क्या करेगा ये हमारा फेल देखने को मिलेगा। ये फेल हमें दो जगह से देखने को मिलता है, एक मिलता है ऊपर से और एक मिलता है नीचे से देखने के लिए, ठीक है। एक मिलेगा कहाँ से, नीचे से देखने के लिए। तो यहाँ पे एक जो फेल देखने को मिलता है तो इसको बोलते हैं अंडर लोड। अगर यहाँ से फेल देखने को मिलेगा तो बोलेंगे एट सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें वही पूछा है कि बीम में ठीक है कहाँ पे फेल करता है, तो बोलेंगे ठीक अंडर द या कंसंट्रेटेड लोड द एक्टिंग, जहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है उसी के जस्ट नीचे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे सिलेंडर रेशियो पूछ रहा है किसका किसका रेशियो होता है, किसका किसका अनुपात होता है तन्यता अनुपात। तो हमारा जो सिलेंडर रेशियो होता है वो किसका किसका अनुपात होता है, वो होता है हमारा किसका ठीक, यल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई आर मिनिमम, ये होता है सिलेंडर रेशियो। यानी सिलेंडर रेशियो इक्वल टू क्या होता है, सिलेंडर रेशियो मेरा क्या होता है, यल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई क्या आर मिनिमम, यही तो होता है लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी रेडियस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ठीक कॉलम डिवाइडेड बाई लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है ठीक, यहाँ पे पूछा आपसे क्या, पूछ रहा है सीमेंट मोर्टार के लिए ठीक है, अगर 12 mm का प्लास्टिंग कर रहे हैं तो पूछ रहा है यहाँ पे कितना आप एक मेसन जो है एक दिन में कितना वर्क करेगा, वो पूछा है उसकी इफिशियंसी पूछ रहा है। तो अगर हम बात करेंगे अगर 12 mm का प्लास्टर हो रहा है तो एक मेसन जो एक दिन में 8 m² जो प्लास्टिंग वो एरिया को कवर करेगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल, जैसे बात करेंगे एक मेसन जो है अगर वो काम किस में कर रहे हैं, फाउंडेशन और प्लिंथ में कर रहा है, तो एक दिन वो करेगा कितना, 1.25। अगर हम बात करेंगे सुपर स्ट्रक्चर के, सुपर स्ट्रक्चर में 1 करेगा, ये भी आप डाटा याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे यहाँ पे बार बेंडिंग शेड्यूल पूछ रहा है हम किसके लिए बनाते हैं, तो बार बेंडिंग शेड्यूल हम बनाते हैं हमेशा स्टील के लिए ठीक, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक एग्जाम्पल है ठीक है, एक माइनर सॉरी एग्जाम्पल नहीं है, एक डाटा है, पूछ रहा है पे माइनर वर्क हो रहा है ठीक है, उसका अपर लिमिट हो गया ठीक 2000, तो बताएं लोअर लिमिट कितना होगा, ये पूछा आपसे। हमारा वर्क जो है तीन तीन पार्टों में डिवाइड है, किसमें किसमें, एक पीटी वर्क, एक माइनर ठीक और एक मेजर। तो माइनर होता है 20,000 से कम, मेजर होता है 20,000 से 1 लाख के बीच में, और मेजर क्या होता है 1 लाख से लेके उससे ऊपर। तो यहाँ पे इसका ये क्या होगा, 20,000 से लेके ठीक है 1 लाख होता है, तो इसका पूछा है लोअर लिमिट कितना होगा किसका, मेजर का। तो मेजर का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 1 लाख, क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या कि यू वाइल्स, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा ठीक है, बोला यहाँ पे वाइलिंग सब मीटिंग ए टेंडर कंट्रेक्टर टू द डिपोजिट ठीक अमाउंट मनी ऑफ द एस्टिमेट इज कर रहे हैं। यहाँ पे जब टेंडर पास हो जाता है, जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर होता है कुछ मनी जो डिपॉजिट करता है, तो उस मनी को हम क्या बोलते हैं ठीक, उस मनी को हम क्या बोलेंगे, उस मनी को बोलते हैं क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट ठीक है, अर्नेस्ट मनी बोलेंगे यहाँ पे बताएंगे, उसे बोलेंगे क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलेंगे, अर्नेस्ट मनी ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा ठीक
अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या कि फ्लोर एरिया इंक्लूड द एरिया बालकनी, बालकनी पूछ रहे हैं यहाँ पे, फ्लोर एरिया का कितना परसेंट जो हमारा बालकनी एरिया होता है, तो होता है सिंपल सा डाटा याद रखेंगे 50% होता है। यहाँ पे अगर पूछ ले बताइए लेबर चार्ज जो होता है, लेबर चार्ज ठीक है वो पूरे होल कास्ट का कितना परसेंट होता है, तो 40% होता है लेबर कास्ट। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 8%, वाटर चार्ज के लिए 8% ठीक है, अगर आप वाटर सप्लाई करवाएं तो 8%, अगर वाटर चार्ज कितना होता है 1.5% होता है ठीक है, कॉन्ट्रेक्टर का प्रॉफिट 10% होता है, कंसिस्टेंसी के लिए 4 से 5% होता है, ये सारा डाटा आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे इन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग किचन इज द मोस्ट, कर यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है रेजिडेंशियल बिल्डिंग है किचन जो हमारा किस डायरेक्शन में रहता है, तो याद रखेंगे नॉर्थ और ईस्ट में ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर पे हमारा क्या होता है किचन होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पे, कह रहे हैं यहाँ पे एक मशीन है ठीक है 20 पैसा उसका प्रति, यानी एक घंटे में 20 पैसा का लॉस हो रहा है और 18,000 घंटे चलाया जा रहा है, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उसका सीपी कितना होगा। तो बात करेंगे 20 पैसा प्रति घंटे, 18 घंटे चलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 घंटे, देखते हैं कितना रुपये का लॉस होगा, 18 ठीक इंटू 20 पैसा, और उसी में बदल देंगे किसी रुपया में 100 से डिवाइड करके, करते हैं साल कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा, सॉरी 3600 आ जाएगा ठीक है, 3600 तो ये आ गया लॉस मेरा, कितना आ गया 3600 मेरा लॉस हो गया। उसके बाद 3000 उसका ओ मूल्य लिया है, इसके पहले दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6600, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए इसका आंसर बताइए, कारपेट एरिया मीन्स क्या होता है, कारपेट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे आप क्या रहते हैं रहते हैं, तो क्या हो जाए कारपेट एरिया, तो कारपेट एरिया हो जाए टोटल फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया इज करेक्ट आंसर। ठीक है क्या हो जाएगा मेरा कारपेट एरिया जो हमारा फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया क्या होता है इनर टू इनर वॉल, आउटर टू आउटर ले लेंगे तो प्लिंथ एरिया हो जाएगा, इनर टू इनर वॉल हो गया, इसी में से क्या कर देंगे सर्कुलेशन वाला एरिया को माइनस कर देंगे जिसपे आगमन होता है, तो उसके बाद जो एरिया बचेगा वही मेरा कारपेट एरिया है। ठीक अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे ठीक है कि यहाँ पे एक करना है सिंपल सा, ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑल आइटम वर्क बट देयर क्वांटिटी आर नॉट मीन्स, अभी आप देखेंगे कह रहे हैं कि एक आइटम है ठीक है, एक आइटम है ठीक जिसका हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे उसकी क्वांटिटी जो है क्वांटिटी उसको हम क्या कर रहे हैं नहीं ले रहे हैं, क्वांटिटी आर नॉट मेंशन, देखिए हम लिखा ना क्वांटिटी आर नॉट मेंशन, तो पूछ रहा है ऐसे को हम क्या कहेंगे, उस डिटेल को हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे शेड्यूल ऑफ रेट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जब आप क्वांटिटी को लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा एनालिसिस ऑफ रेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है ये, अगर आवासीय भवन में रहने लायक क्षेत्र कौन सा है, बोलना है पहले अब कि मतलब वो कौन सा एरिया है जहाँ पे आप रहते हैं, तो कौन सा एरिया मेरा वो हमारा है कारपेट एरिया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स हमको उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स अपना सेशन समाप्त करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।